शिकार करने के लिए और दिन के समय में सोता रहेगा। फाइन, ये एक एडेप्टेशन है उसका। लिजर्ड मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर बाय बास्किंग इन सन एंड बाय रेस्टिंग। अच्छा, ये वाला चीज है। बास्किंग इन सन कहने का मतलब कुछ देर तक आएगा धूप में, सन लेगा, सन बात करेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगा शरीर का फिर से बिल में चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अप एंड डाउन करते रहते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जानवर जो रात के समय में शिकार पे निकलेंगे, दिन के समय में नहीं निकलेंगे टेम्परेचर से बचने के लिए। नेक्स्ट, एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स। ज़ेरोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। ज़ेरोफाइट ऐसे पौधा होते हैं जो कि कम पानी में, कम पानी जगह पे रहते हैं, हाई टेम्परेचर जगह पे रहते हैं, है ना। ओके, पढ़ेंगे, जरा सस्ता चीज है, कोई ज्यादा हार्ड, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ज़ेरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच कैन सर्वाइव इन वाटर डिफिशिएंट कंडीशन। कैसे? कुछ स्पेशल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हैं अपने शरीर में, इसके चलते वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि एफिमेरल्स और ड्रॉट स्केपर और ड्रॉट इवेडर्स कहा जाता है एफिमेरल्स पौधे को। फाइन, इफीमेरल्स वो होंगे जो अनफेवरेबल कंडीशन को एस्केप कर पाएंगे, एस्केप कर लेते हैं बाय कन्वर्टिंग देम इनटू सीड। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि धान है। फाइन, धान अपने आप को कैसे बचा पाएगा? ठीक है, धान का पौधा तो ठंडी आते ही मरने लगता है, सही है, मरने लगता है, लेकिन वो अपने आप को बीज में कन्वर्ट करवा देता है। बीज तो जीवित है उसका ना, तो एक प्रकार का हाइबरनेशन है ये। ओके, ये एनुअल है। ठीक है, नेक्स्ट, सकुलेंट प्लांट। सकुलेंट प्लांट ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ठीक ना। क्या करेंगे ये? This group stores water by the help of hydrocolloids during favorable condition and stores in the body and utilized during stress condition. ठीक ना, succulent plants या drought resistant क्या करेंगे? Favorable condition में बहुत सारा पानी store कर लेंगे अपने शरीर में, hydrocolloids present रहते हैं उनमें, जिससे agar agar हो गया, पानी retain करने की tendency रखता है, है ना। तो hydrocolloids इसमें ज्यादा produce होगा जो पानी को store करके रखेगा, और यही पानी का इस्तेमाल होना है अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, प्लांट स्टोर्स वाटर इन रूट, लीफ, स्टेम, हटाइए, कुछ खास नहीं है। ठीक है, कुछ जेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जो केम साइकिल फॉलो करते हैं, और जानते हैं आप लोग केम साइकिल, डू नॉट ओपन स्टोमाटा ड्यूरिंग डे टाइम। फाइन, ठीक है, यह टाव इम्पोर्टेंट नहीं है। अडेप्टेशन ऑफ नॉन सकुलेंट प्लांट। ओके ओके, हटाइए हटाइए। रूट इज वेल डेवलप, पढ़ लोगे अपने से। इपीजियल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ थॉर्न्स एंड स्पाइन्स, ये सब के बारे में पता है आप लोगों को, पढ़ लेंगे, आसान है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। इफीमेरल्स, मल्टी लेयर्ड रेडियस ट्रांसपीरेशन, प्रेजेंस ऑफ शंगुन स्टोमाटा, बुलीफॉर्म सेल्स, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल्स, सब कर पाओगे। अर्ली बार्क फॉर्मेशन, स्टोमाटा कन्वर्ट हो जाएगा बार्क में। केम एडेप्टेशन करना, ठीक ना। चैपरोन्स, ठीक है, ये एम्स लेवल का क्वेश्चन बनता है चैपरोन से। CHAPERON, चैपरोनिम्स लिखा हुआ है, चैपरोन्स भी होते हैं।
चैपरोन्स ये प्रकार का स्ट्रक्चर है ना, जो कि इंजाइम्स को बचाता है डिग्रेडेशन से। ठीक है, तो ये एक स्पेशल चैपरोन्स स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है शरीर में। फाइन फाइन फाइन, एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोपाइथिन वाटर। हाँ, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइल्स कैसे बचते हैं? प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, आइदर अटैच्ड और फ्री। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, किस तरीके से बचते हैं बताएंगे बाद में, पहले देख ले। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स किसको कहेंगे? ये वो पौधे हैं जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, है ना, अटैच रहेंगे जमीन से या फिर फ्री रहेंगे। फ्री फ्लोटिंग, ये अटैच नहीं रहेंगे ग्राउंड से, है ना। फ्लोटिंग लीव्स बट एंकर्ड रूट, रूट्स आर अटैच्ड टू द ग्राउंड एंड स्टेम्स आर प्रेजेंट अबव द सर्फेस ऑफ वाटर, जैसे लोटस वाटर लिली हो गए। एडेप्टेशन क्या है ये? तो अभी हम एडेप्टेशन बता रहे हैं, मतलब रहते कैसे हैं, रूट पोअरली डेवलप्ड है, किस तरीके से रह रहे हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सब अपने से कर लोगे कर लोगे कर लोगे कर लोगे। हाँ, कुछ खास नहीं है। हेट्रोफिली, प्रेजेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल टू डिफरेंट लीव, जिसको हेट्रोफिली कहेंगे, है ना। ये हम बता चुके हैं प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर वाले सेक्शन में, है ना। पानी के अंदर का लीफ का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, पानी के ऊपर का लीफ का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। हाँ, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोपाइट्स ये देखेंगे, है ना। मैकेनिकल टिश्यू, जाइलम इज पुअरली डेवलप, पानी में रह रहे तो जाइलम का तो जरूरत है नहीं, जाइलम पुअरली डेवलप हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। मैकेनिकल टिश्यू आर पुअरली डेवलप और एबसेंट, जरूरत नहीं है, पानी का प्रेशर से अपराइट रहता है। एरेनकाइमा इज अबेंडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एरेनकाइमा ये मॉडिफाइड पेरेनकाइमेटल सेल्स है ना, जिनके पास एयर प्रेजेंट रहते हैं। फाइन, सेकेंडरी ग्रोथ इज अबसेंट, मोटे नहीं होते हैं, पतले पतले पौधे रह जाते हैं। इपिडर्मल सिंगल लेयर का होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय, सॉरी, रिप्रोडक्शन, PRO, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मोड, इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। वेजिटेटिव मोड कहने का मतलब सिंपल मोड है, कॉम्प्लेक्स मोड के लिए कॉम्प्लेक्स एंजाइम चाहिए जो कि ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा, ये दे नहीं पाएंगे, इसीलिए उनमें रिप्रोडक्शन भी सिंपल होता है। एडेप्टेशन ऑफ हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स कहने का मतलब ऐसे पौधे जो हाई सॉल्ट कंडीशन को टॉलरेट कर पाएंगे। फाइन, उसको हम लोग कहेंगे हेलोफाइट्स। फाइन, ओके। ठीक ना, वहां पे वाटर पोटेंशियल कम रहता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा रहता है, ध्यान देंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने शरीर के अंदर ये वाला कंडीशन उल्टा कर लेते हैं, तब जाके पानी उसके अंदर आता है, अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं पानी, ठीक है ना। देखो, हेलोफाइल्स सर्वाइव इन सलाइन कंडीशन बाय मिनिमाइजिंग वाटर लॉस एंड बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर सो दैट वाटर कैन मूव इनसाइड इट। समझ में आया? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बाहर का इन्वायरमेंट का, उससे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर अपने शरीर के अंदर क्रिएट कर लेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अब क्या होगा? अब तो पौधे को अपने अंदर पानी लेना पड़ जाएगा। फाइन, अडेप्टेशंस आर डेवलपिंग सकलेंसी अटाव लीफ फॉर रिड्यूस्ड, चलो ठीक हैज एक सॉल्ट एक्सक्रूटरी ग्लैंड। सॉल्ट एक्सक्रूटरी ग्लैंड कहने का मतलब, ठीक है ना, बॉडी से सॉल्ट को निकालने के लिए कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा? वाटर लॉस नहीं होगा, सॉल्ट लॉस होगा। फाइन,
शंगन स्टोमाटा, पानी का लॉस नहीं होना है। मैनग्रोव का केस आपको पता ही है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट फॉलो करता है ताकि जमीन पे आ जाए और वहां से सांस ले, है ना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कुछ केमिकल्स है जैसे कि प्रोलीन है, सॉर्बिटॉल है, या ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है जिसके चलते पानी लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है पौधे का। दे फॉलो विविपेरी, विविपेरी कहने का मतलब जब पौधे के अंदर ही बीज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लांट, है ना, ये है फ्रूट, ठीक है, ये है सीड, ठीक है। जब ये सीड मदर बॉडी में है तभी वहां से जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और कुछ हाइट अचीव करने के बाद नीचे गिरेगा जमीन पे, उसको हम लोग कहेंगे विविपेरी। कितना है यार ये। ओके चलो, अब आते हम इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन पे, दैट इज पॉपुलेशन। ये खुद से पढ़ेंगे जी, कुछ कुछ मैं आप लोग को काम दे रहा हूँ, अभी पढ़ेंगे, पढ़ोगे जरा पॉपुलेशन, ये वाला चैप्टर है ना आप लोग के पास। चंदन, हाँ सर, सुधांशु, यस सर, चैप्टर है ना, तो ये पॉपुलेशन वाला सेक्शन पढ़ो तो जरा। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ठीक है, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, पढ़ो तो जरा, ना समझ में आया तो पूछेंगे। कम ऑन, गो थ्रू। सर बर्थ रेट को ही नेटालिटी बोलते हैं। मेंशन है इसमें सर, उसमें यार नेटालिटी सब लिखा हुआ था ना, तो उससे भी पॉपुलेशन बढ़ रहा था, पॉपुलेशन डेंसिटी। बर्थ रेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। नेक्स्ट, ठीक है, नेटलिटी बोलेंगे उसको, बोल सकते हैं, दो शब्द है, नेटलिटी होता है। बर्थ रेट के लिए, डेथ रेट के लिए मोर्टिलिटी यूज करते हैं।
मॉर्टल मॉर्टल इमोर्टल मॉर्टल मतलब अंत हो जाना, इमोर्टल अंत ना होना. तो नेटिलिटी रेट बर्थ के लिए यूज करते हैं और मॉर्टलिटी रेट डेथ के लिए यूज करते हैं. गुड वेरी गुड. बोल सकते हैं नेटिलिटी एंड मॉर्टलिटी. ये सब आ गया, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन आ गया, ये हो गया, ट्राइगोनियल पिरामिड हो गया, एज पिरामिड हो गया, देख लिया, पोस्ट रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है ना. इस प्रकार का पॉपुलेशन किसी नेशन का है तो वो नेशन का पॉपुलेशन कभी डिक्लाइन नहीं करेगा. फाइन. स्टेबल पिरामिड, स्टेबल पिरामिड बेल शेप पिरामिड कहते हैं. इसके केस में पॉपुलेशन स्टेबल रहना है ना. लेकिन ऑन शेप के केस में पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा भविष्य में, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम है ना. रिप्रोडक्टिव तो आगे चल के बूढ़े में कन्वर्ट हो जाएगा, मर जाएगा. ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव यदि मान चलो प्री रिप्रोडक्टिव इतना है तो मर जाएंगे कुछ लोग, तो रिप्रोडक्टिव फेज में इतना ही पहुंचेंगे ना, है ना. तो कुछ लोग जवान मर जाएंगे तो बूढ़े लोग इतने ही बचेंगे. फाइन. तो ये डिक्लाइन होने लगता है, ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगा ऑन शिप वाला. फाइन. चलो नेक्स्ट देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या होता है डेंसिटी मतलब? इसमें सर होगा नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना लोग रह रहे हैं. ठीक है ना. हाउ टू डिटरमाइन पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कर सकते हैं, देखो जरा. डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, काउंटिंग मेथड, पैलेट काउंटिंग है ना, टाइगर वगैरह का टट्टी काउंट करते हैं हम लोग. सुबह सुबह जाके रिसर्चर्स लोग टट्टी काउंट करेंगे, कितनी जगह पे टट्टी है, कैसा कैसा टट्टी है, कितना फ्रेश है, कितना पुराना है, ये सब काउंट कैलकुलेट किया जाता है ना. फुटप्रिंट्स देखा जाता है, उससे हम लोग डेंसिटी का अनुमान लगाते हैं. ये सब तरीका है, नेचुरल तरीका है. पढ़ो जरा. इनडायरेक्ट काउंटिंग, डायरेक्ट काउंटिंग. सर वैल्यू ऑफ आर क्या है इसमें? आर का मतलब होता है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. ठीक है, कहाँ पहुंच गए तुम लोग? अगले पेज में. वेरी गुड. कहाँ है आर, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गया आर? रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहाँ तक पहुंच गया जी? अगले पेज पे. यस सर, 34. वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पे ना, यहाँ पे आर देख रहे हो ना, ये इसका मतलब पूछ रहे हो ना. स्क्रीन नहीं दिख रहा. स्क्रीन तो नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नो सर. अच्छा, लेट मी शेयर वंस अगेन.
दिखा दिखा यस सर ठीक है. इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहने का मतलब होता है कि नेट इंक्रीज होना, नेट इंक्रीज होना पॉपुलेशन का. नेट इंक्रीज मतलब बर्थ रेट भी है और डेथ रेट भी है ना. तो इन दोनों को बैलेंस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. मान के चलो 10 लोग पैदा हो गए, 8 लोग मर गए, तो ओवरऑल कितने लोग बढ़े? दो ही लोग बढ़े ना, है ना, दो ही लोग बढ़े. तो दो को ही हम लोग बोलेंगे जो नेचुरल बर्थ रेट है या ग्रोथ रेट है वो दो ही है, है ना. ओके और ये जो आर है, आर का वैल्यू बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर डिपेंड होता है ना. अब इस आर को अचीव करने के लिए हो सकता है डेथ रेट बढ़ जाए, है ना, पैंडेमिक हो जाए, जैसे कि अभी है कोविड है, पैंडेमिक है ना. तो ये आर को अचीव करने के लिए होता है, आप मानो या ना मानो, ये पैंडेमिक होता है, ड्रॉट होता है, फ्लड होते हैं, क्वैक्स होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं इस आर के वैल्यू को मेंटेन करने के लिए किया जाता है ये. आर के वैल्यू को अचीव करने के लिए ये सब डिजास्टर्स वगैरह होते हैं, फाइन, क्योंकि नेचर को भी बैलेंस करना है, फाइन. पॉपुलेशन कभी भी कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जा सकता, है ना. तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाएगा, है ना, बीमारी फैला देंगे, ये सब होता है. नेक्स्ट देखो, ठीक है, जैसे कि मान चलो ये के का मतलब तुम लोगों ने नहीं पूछा, के का मतलब क्या है यहाँ पे, के का मतलब क्या होता है, के K means the carrying capacity. Carrying capacity मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में कितने लोग रह सकते हैं. पांच लोग, छह लोग, दस लोग, दस हजार, दस लाख, है ना, वो उसका कैरिंग कैपेसिटी होगा. कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जा सकता ना. फॉर एग्जाम्पल बोकारो मॉल है, तो बोकारो मॉल में मान चलो एक बार में 1,00,000 लोग आट सकते हैं उसमें, तो 1,00,000 लोग का कैरिंग कैपेसिटी हुआ ना. उसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकते, है ना. तो उस लेवल को अचीव, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए 1,00,000 लोग ही वहां पे रह सकते हैं, उसे कम रखेंगे तो अच्छी बात है ना. तो इसके लिए क्या करेंगे, 1,00,000 से लोग ना बढ़े इसके लिए क्या किया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे, है ना, बहुत सारे नॉर्म्स लगा देंगे, रोक देंगे लोगों को बाहर ही, है ना. तो उसी का तरह एक पार्टिकुलर एरिया में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ेगा. उसके बियॉन्ड यदि बढ़ना शुरू होगा तो पॉपुलेशन की डेथ होने लगेगी, भूख मारे डेथ हो सकता है, बीमारी के चलते डेथ हो सकता है, है ना. लिमिट से बियॉन्ड नहीं जा सकता, कहने का मतलब है. ठीक है, तो ये वैल्यू आर का वैल्यू पूछता है ना. आर का वैल्यू क्या है, नेचुरल इंक्रीज क्या है, आर का वैल्यू भारत का इन 1981 इट इज 0.025 एंड इट इज 0.176 इन 2001. तो ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम पे. नॉर्वे रेट का कितना है, 0.015 एंड आर वैल्यू फॉर फ्लोर बिटल इट इज 0.12. ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब वैल्यू आपको रटना होगा, फाइन. एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है, चलो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे. ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन को बढ़ने ही नहीं देंगे. जैसे कि मैंने कहा बोकारो मॉल में 1,00,000 से लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, तो कौन रोकेगा, सिक्योरिटी गार्ड रोकेगा कि भैया अब नहीं जाना, 1,00,000 लोग हो चुके हैं, घटेंगे तभी आपको जाने का मौका मिलेगा, है ना. सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का तरह काम कर रहा है, फाइन. नेचर में एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, यही बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, फाइन. बीमारी हो जाना, फाइन,
ड्रॉट हो जाना, बाढ़ आ जाना, वोल्केनो आ जाना, भूकंप आ जाना, साइक्लोन्स आ जाना, है ना, ये सब वो चीजों को कम कर देते हैं, पॉपुलेशन को कम कर देते हैं। ओके, जैसे कि एक चीज बताओगे, बोकारो वाला एरिया है, ठीक ना, बोकारो एरिया में टाइगर का पॉपुलेशन एकदम बढ़ते जा रहा है। तो क्या है, कैसा टाइम आएगा कि बोकारो में सिर्फ और सिर्फ टाइगर ही टाइगर रहेंगे, गाय भैंस नहीं रहेगा, कोई भी हर्बिवोर्स नहीं रहेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल है? अरे भैया, गाय भैंस रहेंगी नहीं तो खाएगा क्या? टाइगर पॉपुलेट होगा कैसे? नहीं हो पाएगा, है ना। तो टाइगर के पॉपुलेशन को चेक करने के लिए एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस आएगा। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या आएगा कि भैया टाइगर को खाने के लिए भोजन ही नहीं बचेगा, है ना। ओके, ये होगा। तो पॉपुलेशन चेक हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ो। ये सर एक्सपोनेंशियल रेट क्या दिया हो तो क्या क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहने का मतलब मल्टीपल में ग्रोथ होना, है ना। जैसे कि चार है, चार इंडिविजुअल है, है ना। ओके, चार से कितना हो जाएगा? दो से चार, चार से आठ, आठ से चार से आठ होगा, आठ से सोलह होगा, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, है ना। चौसठ से कितना हो जाएगा? 128 होगा, है ना। इस तरीके से बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। एक्सपोनेंशियल है ये, 8 से 16, 16 से 32, हाँ ये एक्सपोनेंशियल होना। ठीक है, मतलब हमेशा आधा बढ़ेगा, हमेशा आधा आधा बढ़ते जाएगा, फाइन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, याद आ रहा है, लॉगरिथमिक ग्रोथ, है ना। एक्सपोनेंशियल मतलब कि बहुत तेजी से बढ़ना, है ना, बहुत तेजी से बढ़ना। अरिथमेटिक ग्रोथ था जो हमेशा दो के रेट से ही बढ़ रहा था, एक कॉमन स्पीड से बढ़ रहा था, है ना।
तो ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है जी, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इट कैन बी सीन इन ऑर्गेनिज्म शोइंग लार्ज ग्रोथ, हैपेंस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस. So n not be the initial population density, changes in the population density. कुछ खास होगा तो हम बताएंगे, है ना. Changing in integration form में करेंगे तो ये इस तरीके से equation बनेगा, n total is equal to n not e to the power rt, है ना. Exponential growth दिखा रहा है और exponential growth possible होता है because of good quality of optimum amount of availability of food. हो जाएगा तो आगे पढ़ेंगे. सर ये रूल्स मतलब सभी ऑर्गेनिज्म के लिए लागू होता कौन है? सा कौन सा कौन सा ये जितना भी फैक्टर है ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन मतलब ये पॉपुलेशन बढ़ने के लिए? नहीं, लेकिन मोटा मोटी फूड तो सबके लिए है, भोजन सबके लिए है, लाइट टेम्परेचर सबके लिए ऑलमोस्ट, है ना. लेकिन जो बड़े और बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़े चीजें होती हैं, उनको उतना लाइट वगैरह नहीं मिल पाता है. हाँ. है ना, उनको ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी. अब मान के चलो एलिफेंट है, तो एलिफेंट को क्या ऑप्टिमम फूड हमेशा मिलता रहेगा? नहीं, नहीं ना, ज्यादा बड़ा है. और उसी जगह पे आप चीटी को देखो या फिर फ्लाइस को देखो, तो उसको तो फूड ज्यादा मिलेगा ना जी. हाँ. तो है, फूड है, लेकिन किसको कितना चाहिए ये भी मायने रखता है. ह्यूमन बींग्स तो कहीं भी रह जाएगा. हाँ, उसके लिए है ना. तो उसको हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक ग्रोथ, देख यहाँ पे देखो, इसको हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक ग्रोथ कहते हैं. ये कर्व जो दिख रहा है ना, है ना. हाँ. ये कम समय में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, फिर तो मर भी जाते हैं, फिर तेजी से बढ़ेंगे, फिर मर जाएंगे, है ना. अपॉर्चुनिस्टिक ग्रोथ, अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म भी कहेंगे.
हो जाएगा तो बोलेंगे, ठीक है? ओके, ये सब थोड़ा बताना पड़ेगा आप लोग को. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सुधांशु, चंदन, हेलो. यस सर. ये देख रहा हो ना, ये एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल फेज देखो, यहाँ पे ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फाइन. लेकिन ये प्रैक्टिकली ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है ना. पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगा, भोजन की कमी होने लगेगी, बीमारी हो जाएगा, है ना. सबसे बड़ा फैक्टर है भोजन और रहने का जगह. इसीलिए ये पॉपुलेशन कर्व बड़े ऑर्गेनिज्म के लिए फॉलो नहीं हो सकता, छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए होते हैं, है ना. उनके लिए भोजन ज्यादा है, फाइन. 10 से वो लोग 20 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हम लोग यदि 10 मिलियन से 20 मिलियन हो जाए ना, तो पृथ्वी पे एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, फाइन. तो ये सब होता है छोटे जानवरों के लिए एप्लीकेबल, ठीक है. तुरंत मर भी जाते हैं, फिर राइज करेंगे, उसको अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे. नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ. लॉजिस्टिक ग्रोथ वो है जो प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, हम लोग फॉलो करते हैं. ठीक है, हमारा पॉपुलेशन ग्रो होगा लेकिन कुछ देर बाद जाने के बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, है ना. ये इसलिए होता है क्योंकि लिमिट पहुंच चुका है पॉपुलेशन का, इसके के बियॉन्ड हम नहीं पहुंच सकते, फाइन. तो के हियर इज द कैरिंग कैपेसिटी, इतना ही अलाउड है, 1,00,000 लोग ही अलाउड है, उससे ज्यादा लोग अलाउड नहीं है, इसका मतलब ये समझेंगे, है ना. तो वी फॉलो ए लेग फेज, एक्सेलरेशन फेज एंड देन इक्विलिब्रियम फेज, फाइन. ये हम फॉलो करते हैं. इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा भैया, dN by dt is equal to nR, है ना. नॉर्मल है, यहाँ पे भी इंट्रेंसिक रेट काम करेगा, वो फैक्टर काम करेगा जो कि k को कम करने की कोशिश करेगा, है ना. वो एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे, फाइन. तो वो फैक्टर भी हमें यहाँ पे लाना है. तो इसका इक्वेशन किस तरीके से चेंज हो जाएगा, देखो, dN by dt is equal to nR into k minus n by k. k is the carrying capacity, R का वैल्यू तो पता ही है आप लोग को. R का मतलब क्या है यहाँ पे, नेचुरल इंक्रीज है ये,
यहाँ पे देखो इसके लिए क्या वैल्यू आया था, dn by dt is equal to nr, और इसके लिए जो वैल्यू आया था इसके लिए है dn by dt is equal to nr k minus n by k, है ना। तो ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, बस इतना ही ध्यान दें आप लोग, है ना। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला क्या है, यहां से क्वेश्चन आएगा। और एक्सपोनेंशियल कहां गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का इक्वेशन क्या है, यहीं से क्वेश्चन आता है, इन सब वैल्यू से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन टी एन नॉट ई आर, इन सब का मतलब क्या है, यहीं से क्वेश्चन आता है। कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि आप इस चीज को डिराइव करिए, फाइन। और एक चीज ध्यान रखेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ प्रैक्टिकल ग्रोथ है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इसी को फॉलो करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल इंटरैक्शन। पढ़ो जरा क्या है एनवायरमेंटल इंटरैक्शन, इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एबायोटिक, बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। तो कितने इंटरैक्शन है देखो जरा यहाँ पे, सबको स्टार्ट करेंगे हम एक एक करके। सर एमेंशियलिज्म मतलब, हेलो यस सर, हेलो, ओके फाइन, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। प्रेडेशन, प्रेडेशन मतलब कि शिकार और शिकारी वाला संबंध, ठीक ना। एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होना है ना। जो मर जाता है उसको प्रे कहेंगे और जो मारता है उसको प्रेडेटर कहेंगे। फाइन, ओके चलिए रोल देख रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेडेशन। अच्छा प्रेडेशन का रोल भी है हमारे अर्थ पे, क्या हो सकता है जी रोल, शिकारी का रोल क्या हो सकता है, शिकारी का इंपॉर्टेंस क्या है, पॉपुलेशन को रेगुलेट करेगा। हां वेरी गुड, पॉपुलेशन कंट्रोल रखेगा, हां कंट्रोल करेगा पूरा जो इकोसिस्टम का चेन मेंटेन रहेगा। ऑब्वियसली मान के चलो गाय भैंस का पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो गाय भैंस का पॉपुलेशन को भी कम करना है ना, नहीं तो पूरा घास खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। ओके और एज वेल एज इसके चलते फ्लो ऑफ एनर्जी भी होता है ना, दे आर द पार्ट ऑफ फूड चेन सो दे मस्ट बी देयर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए इसका मतलब। स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में मदद कर रहा है, यदि मान के चलो एक ही पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो दूसरा पॉपुलेशन घट जाएगा, टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनका पॉपुलेशन घट जाएगा, है ना। एक केस स्टडी दिया गया है, ठीक हो जरा देखो जरा, इन अमेरिकन कोस्ट रिमूवल ऑफ स्टारफिश, ठीक है, रिजल्ट्स इन द लॉस्ट ऑफ 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स,
अमेरिकन कोस्ट रिमूवल ऑफ स्टारफिश पिस्टार ये प्रेडेटर है ठीक ना ओके और इसको हटाने से 10 स्पीशीज का लॉस हो गया था ओके ये केस स्टडी है देखो फूड चेन डिस्टर्ब होगा यदि हम किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे तो है ना सो दूसरा बेनिफिट देखते हैं प्रेडेटर का ये प्रेडेटर और प्रे का दे एक्ट एज व्हाट बायो कंट्रोल एजेंट जैसे कि अपुंचिया है अपुंचिया मतलब कैक्टस है ना तो यदि कैक्टस ज्यादा उगेगा तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है यूजफुल नहीं है घास फूस है ना तो इसको कंट्रोल कर दिया जाता है प्रेडेटर से ठीक है जैसे कि केटोब्लास्टिस है ना ये इंसेक्ट है जो अपुंचिया को फीड करते हैं अपुंचिया को खाते हैं मॉस्किटो लार्वा है इसको खाता है गंबुजिया फिश रेड लॉकस्ट है इसको मैना खाएगा एफिड्स है लेडी बर्ड बीटल खाएंगे चींटी है वुड पीकर खाएंगे है ना तो ये सब हमारे लिए नुकसानदायी थे ये सब हमारे लिए हेल्पफुल थे ये सब इसको खाते हैं पॉपुलेशन को रिड्यूस करेंगे फाइन इस तरीके से मदद होता है प्रूडेंट प्रेडेटर काइंड ऑफ प्रेडेटर होते हैं है ना है ना जो कि सोचते हैं अपने भोजन के बारे में और उनका पॉपुलेशन भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं है ना द पॉपुलेशन ऑफ प्रे इज मेंटेन्ड बाय सम डिफेंसिव मैकेनिज्म सच एज प्रूडेंट प्रेडेटर समझे ना प्रूडेंट प्रेडेटर वही होंगे जो सोचेंगे भविष्य के बारे में अरे सब खाना आज ही खा जाएंगे कल क्या खाएंगे तो इसको कम खाना है लिमिट में खाना है इस तरीके से सोचते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रूडेंट प्रेडेटर नेक्स्ट ये तो हो गया प्रेडेटर की बात खा जाता है लेकिन प्रे भी तो कुछ करता होगा ना अपने आप को बचाने के लिए तो क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है जी प्रे अपने आप को बचाने के लिए कैमोफ्लाज ना कैमोफ्लाज एक मैकेनिज्म हुआ कैमोफ्लाज का मतलब जानते हैं और रंग बदलना डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल ग्लाइकोसाइड अपने शरीर के अंदर या स्किन के ऊपर कुछ ऐसा केमिकल का सिक्रेशन करवा देना जिसके चलते दूसरे प्रेडेटर्स को अच्छा ना लगे खाने में गंदा टेस्ट आए है ना तीखा लगे कड़वा लगे स्मेल खराब लगे सेवरल प्लांट्स हैव टॉक्सिक सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ द प्रेडेटर टू कंज्यूम देम है ना जैसे कि नीम है नीम को खाना नहीं चाहेगा लोग तुलसी को खाना नहीं चाहेगा तो उसके अंदर कुछ अल्कलॉइड्स हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को पसंद नहीं है नहीं खाते है ना देखो आकाशीय एक पौधा है इट शोज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन अंट बिकॉज ऑफ अंट आकाशीय इज नॉट ईटन बाय प्रेडेटर आकाशीय ने क्या किया चींटियों के साथ इंटरेक्शन कर लिया है ना अब होता क्या है आकाशीय को कोई दूसरा चीज खाएगा नहीं क्योंकि वहां पे चींटी है चींटी से उनको नफरत है मिमिक्री है मिमिक्री मतलब किसी दूसरे सुपीरियर ऑर्गेनिज्म का तरह बिहेव करना है ना ताकि बचे रहे दैट इज कॉल्ड मिमिक्री इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर समटाइम्स प्रे डू क्या लिखा है डू द मिमिक्री ऑफ सम अदर हायर इवॉल्व्ड एनिमल्स है ना मतलब कि जैसे कि मान चलो डियर है ना डियर टाइगर से बचने के लिए क्या करेगा मान चलो लायन का तरह मिमिक करने लगा ये हम एग्जाम्पल दे रहा है हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं है ना मिमिक्री करने का मतलब होता है कोई भी सुपीरियर ऑर्गेनिज्म का तरह बिहेव करना ताकि दूसरा लोग डरे उससे और उसको खाए ना पहला इंटरेक्शन खत्म हो गया ठीक है प्रेडेशन नेक्स्ट देखते हैं पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म के केस में भी क्या होता है एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा है ना सो पैरासिटिज्म जनरली देखने को मिलता है लोअर ऑर्गेनिज्म एंड हायर ऑर्गेनिज्म मतलब इंटरेक्शन बिटवीन लोअर एंड हायर ऑर्गेनिज्म प्रेडेशन वाला जो था दोनों हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है एनिमल स्मॉलर ऑर्गेनिज्म रिसाइड्स ऑन द लार्ज ऑर्गेनिज्म फॉर फूड शेल्टर रिप्रोडक्शन है ना इन रिटर्न दे हार्म द होस्ट
host makes some changes to get rid of parasite, but at the same time parasite co-evolve along with the host for their survival. चलाक होते हैं, co-evolve हो जाते हैं वो सब भी. Some of the strategies applied by parasites are development of endospore, fast multiplication, tolerance of anabolic conditions. ये कुछ strategy है जो parasite develop हो रखा है अपने आप को बचाने के लिए when they will present on host body. जैसे कि स्पोर में कन्वर्ट हो जाना. ओके, आपने कभी महसूस करा होगा कि दवा खा लेते हैं तो उस समय बीमार से उभर जाते हैं, लेकिन जैसे ही दवा छोड़ते हैं फिर से वो बीमारी आ जाता है. तो रीजन है ना, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं स्पोर्स में. फाइन, स्पोर में कन्वर्ट कर लेते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा है ना, स्पोर से वो बाहर निकलेंगे और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. फाइन, ये होता है. ओके, पैरासाइट हैज एडहेसिव ऑर्गन. क्लाउस लॉक्टर सकर पकड़ने के लिए एक बार पढ़ लोगे, हो जाए, कुछ खास नहीं है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग कोइवोल्यूशन सम फिजिकल कैरेक्टर चेंजेस आर लॉस ऑफ विंग्स इन लॉकस. ठीक है, कुछ कोइवोल्यूशन भी हुआ है पैरासाइट्स का. ठीक है, क्लाउस जो जुए होती हैं, ठीक ना, उनमें क्या बदलाव आया है, उनमें बदलाव ये आया है कि उनके विंग लॉस हो चुके हैं. ठीक ना, प्लास्मोडियम में लोकोमोटरी ऑर्गन लॉस हो चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्कैरिस का लॉस हो चुका है, लॉस ऑफ एलिमेंट्री कनाल इन केस ऑफ टेपवर्म. ये सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये सब चेंजेस हुए हैं. फाइन, ह्यूमन लॉस. हाँ, ओके, सम पैरासाइट्स रिक्वायर मोर देन टू होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. ओके, सच एज लिवर फिल कंप्लीट लाइफ साइकिल इन स्नेल एंड फिश. ओके, एक ऑर्गेनिज्म का और नाम बता सकते हो बिसाइड दिस, लिवर फ्लू के अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हो विच नीड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल? कैन यू टेल मी? प्लास्मोडियम. वेरी गुड, प्लास्मोडियम है ना, मच्छर के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और कुछ कंप्लीट करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर. वेरी गुड, मेंशन है क्या कहीं पे? नहीं है. टाइप्स ऑफ पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट. एक्टो मतलब शरीर के बाहर रहेगा, होस्ट के बाहर रहेगा, एंडो मतलब शरीर के अंदर रहेगा है ना. प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ होस्ट, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. शोस लेस इवोल्यूशन, शोस मच इवोल्यूशन. एंडो पैरासाइट को ज्यादा इवोल्यूशन दिखाना पड़ता है. दे आर टेम्पररी, दे परमानेंट. बहुत ही रोबस्ट होते हैं एंडो पैरासाइट. परमानेंट जरूरी नहीं है कि परमानेंट ही रहे, प्लास्मोडियम वाइवेक्स जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में हमेशा के लिए रहे, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा दिन तक रहते हैं. सर इवोल्यूशन वाला कैसे हुआ इसमें? इवोल्यूशन देखो, अभी हम तो पढ़े थे ना यहाँ पे, ये सब को इवोल्यूशन जो हो रखा है, बदलाव है ना. शरीर के अंदर रहने के लिए उनको बहुत तेजी से बदलाव करना पड़ता है अपने शरीर के अंदर, नहीं तो एलिमिनेट हो जाएंगे. फाइन, ठीक है. इट मे बी टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट. जो एंडो एक्टो पैरासाइट है शरीर के बाहर वाला, टोटल पैरासाइट हो सकते हैं या पार्शियल. कहने का मतलब टोटल 100% टोटली डिपेंड हो सकते हैं होस्ट के ऊपर या फिर पार्शियली डिपेंड होंगे, लेकिन जो एंडो पैरासाइट है वो सारे पर्पस के लिए डिपेंडेंट होंगे होस्ट के ऊपर.
फाइन, नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, एग्जांपल है कुछ एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स के. ठीक है, ह्यूमन लाउस. ह्यूमन लाउस कहने का मतलब अरे वही जू है जो सर पे रहता है ना, जू है उसको ह्यूमन लाउस कहते हैं. ठीक है, किक ऑफ डॉग्स. ठीक है, कैप्टॉप्स ऑफ फिशेस, कास्कटा. ठीक ना, इन हेज प्लांट. ठीक है, ये सब एक्टोपैरासाइट्स है. फाइन, एक्टोपैरासाइट मतलब किसी होस्ट के ऊपर रिसाइड करेंगे. फाइन, तो यहाँ पे आपको क्या जानना है, ये सब जानना है. ठीक है, लाउस रिसाइड्स ऑन ह्यूमन. ठीक है, थिक्स आर द पैरासाइट्स ऑफ डॉग्स. ठीक है, कैपीपोड्स दे आर द पैरासाइट ऑफ फिश. कास्कटा अमरबेल ये प्लांट के ऊपर रहता है, रिसाइड करता है. ठीक है, ध्यान देंगे. एक कास्कटा अमरबेल से क्वेश्चन आता है ना. कास्कटा पहले पार्शियल पैरासाइट था. फाइन, ठीक ना, ये पार्शियल पैरासाइट था, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान ये टोटल पैरासाइट में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इसके पत्ते और क्लोरोप्लास्ट खत्म हो चुके हैं. फाइन, सो नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू टोटल पैरासाइट फ्रॉम पार्शियल पैरासाइट. समझ में आया? ठीक ना, प्लास्मोडियम वाइवेक्स ये एक प्रकार का एंडोपैरासाइट है. ओके, चलिए ब्रूड पैरासाइट, ये इंपॉर्टेंट है, जान लेंगे. छोटा सा यूनिक है ये. ब्रूड पैरासाइट कहने का मतलब, ठीक ना, अंडे को हेच करवाने के लिए दूसरे के खोते में जाके अंडा देना, दूसरे के नेस्ट में जाके अंडा देना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म और ब्रूड पैरासाइट. जैसे कि कोयल है ना, कोयल क्या करती है, अपना अंडा कौवे के नेस्ट पे जाके देती है. फाइन, तो ये भी एक प्रकार का पैरासिटिज्म ही कहा जाएगा. हाइपर पैरासाइट. ठीक है, पैरासाइट ऑफ ए पैरासाइट इज कॉल्ड हाइपर पैरासाइट. कोई एग्जांपल दे सकते हो? बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज सुधांशु, क्या है जी बैक्टीरियोफाज? जो सर वायरस इटिंग वायरस है. ठीक है, वायरस किसके ऊपर रिसाइड कर रहा है? बैक्टीरिया के ऊपर. बैक्टीरिया हमारे लिए तो पैरासाइट है. टोबैको मोज़ेक वायरस. हां, बैक्टीरिया हमारे लिए, टोबैको मोज़ेक वायरस इज अ वायरस, है ना. कुछ बैक्टीरियोफाज कहो, बैक्टीरियोफाज वो बैक्टीरिया, वो फाज होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर रिसाइड करते हैं, और वो बैक्टीरिया हमें नुकसान करता है ना. तो पैरासाइट का, पैरासाइट को हम लोग कहेंगे हाइपर पैरासाइट. ठीक है, नेक्स्ट पास्टुरेला पैस्ट्रिस. इट्स ए पैरासाइट फॉर रेड फ्ली, एंड रेड फ्ली इज ए पैरासाइट ऑफ रैट. ये भी एक प्रकार का हाइपर पैरासाइट है भाई. ठीक ना, पास्टुरेला पैस्ट्रिस. फाइन, चलिए यहीं तक मैं रहने देता हूँ. कल हम लोग करेंगे कंपटीशन, कंपटीशन डील करेंगे स्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन, एमेंसलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन. ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, है ना. कल हाफ के बाद हम बायोटेक स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो कल से मौजूद रहना सबको, है ना. कल से बायोटेक स्टार्ट करेंगे. फाइन, आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन साइन ऑफ, है ना. कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी. आज कितना तारीख हो गया? 15 ना. Today is what? 16.
16 ना. दूसरा ही चैप्टर था, दूसरा ही लेसन था, दूसरा लेक्चर था. अभी और क्लास है आप लोग का? हाँ, फिजिक्स का नहीं सर. अच्छा ठीक. ठीक है, चलिए तब हम साइन ऑफ कर रहे हैं ना, कल मिलते हैं हम लोग.